ट्रॉफी उठाने से कुछ दिन पहले कुछ कंटेस्टेंट है वो अपने अपने घर गए थे। ऋषि सिंह भी अयोध्या गए थे और कहीं ना कहीं अभी दो दिन बाकी है फिनाले को, और ऋषि सिंह है वो अयोध्या जाकर ये कहीं ना कहीं आशीर्वाद लेकर आ चुके हैं कि भैया ट्रॉफी तो मैं ही उठा के लाऊंगा। और वहाँ के लोग यही बोल रहे थे कि भैया एक हफ्ते बाद हमें आपके हाथ ट्रॉफी देखनी है। अब गाइज इस वक्त का वोटिंग ट्रेंड भी यही कह रहा है कि ऋषि नंबर वन पे चल रहे हैं, वही नंबर टू पे चिराग कोतवाल चल रहे हैं, नंबर थ्री पे यहाँ पे दीप्ता चक्रवर्ती चल रही है, नंबर चार पे देवोश्मिता, नंबर पाँच पे शिवम और नंबर छः पे सोनाक्षी का चल रही है। और ये वोटिंग ट्रेंड अभी का निकल के सामने आ रहा है, मतलब जिस तरह से इनको वोट मिल रहे हैं, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये चेंज भी होता रहेगा क्योंकि दो दिन है और अब लोग एकदम से काफ़ी ज़्यादा वोट कर रहे हैं, तो एकदम से बड़ा बदलाव आ सकता है। अब होगा क्या ऋषि सिंह विनर बनेंगे, क्योंकि पहले दिन से ऋषि सिंह है वो कहीं ना कहीं बड़ा कमाल करते दिखाई दे रहे हैं कि नंबर वन की पोजीशन उन्होंने बना के रखी है, हमेशा ज्यादा वोट लिए हैं और इसी के चलते उनके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। और ये उन्होंने जीरो से शुरू किया था जब उनके बिल्कुल फॉलोअर्स नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे, तो बड़ा कमाल उन्होंने करके दिखाया, तो कहीं ना कहीं साफ साफ विनर उन्हें माना जा रहा है। लेकिन एकदम से कमाल हो सकता है, चिराग के फैंस अधिक वोट करके भी चिराग को नंबर वन पे पहुंचा सकते हैं क्योंकि इस वक्त चिराग है वो नंबर टू पे है। अब देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन आपके हिसाब से विनर कौन बनेगा? क्या ऋषि सिंह ट्रॉफी लेकर अयोध्या पहुंचने वाले हैं या फिर चिराग ट्रॉफी लेकर जम्मू कश्मीर जाएंगे? बड़ा सवाल है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके हिसाब से कौन विनर बनेगा। और आप KDC फिल्मी को सब्सक्राइब कर ले भैया, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको इंटरनेट सीजन 13 की हर एक अपडेट मिल रही है, तो फिनाले से पहले तो एक एक अपडेट यहीं पे ही मिलेगी। मिलते हैं कुछ ही देर में इंटरनेट सीजन 13 की नई और बड़ी अपडेट के साथ।